हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए आज का टॉपिक देखते हैं। हमारा क्लास का वीडियो जो शेड्यूल्ड कर दिया गया है, हर दिन 11:30 बजे प्रीलिम्स का रहता है और 7:30 बजे मेंस का रहता है। भारतीय ये धार्मिक, सामाजिक एवं राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण संगठन एवं संस्थाएं। तो ठीक है, ये देखेंगे। फिर वही है यहाँ पे। तो पहला एशियाटिक सोसाइटी, यहाँ से एक क्वेश्चन जो है ज़रूर रहता है, ठीक है। और ये सब फिक्स टॉपिक है, इसलिए ज़रूर ध्यान में होना चाहिए। तो एशियाटिक सोसाइटी 1784 में स्थापना हुआ और संस्थापक विलियम जोन्स था। और ठीक है, आत्मीय सभा 1815 में इसका स्थापना हुआ और संस्थापक राजा राम मोहन राय। वेदांत कॉलेज, स्थापना वर्ष 1825 और संस्थापक राजा राम मोहन राय। फिर है युवा बंगाल आंदोलन। युवा बंगाल आंदोलन 1826, तो डेट फिलहाल कम ही पूछा जाता है, जो ज़्यादा हॉट टॉपिक है उसका डेट पूछा जाता है, लेकिन संस्थापक ज़्यादातर। तो युवा बंगाल आंदोलन हेनरी लियो विवियन डिरिजियो। नेक्स्ट देखते हैं। ब्रह्म समाज, तो ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय के समय में। छठा क्वेश्चन है तत्कोधनी सभा 1839 ईस्वी में, और ये हो गया देवेंद्रनाथ ठाकुर। फिर है ब्रिटिश सार्वजनिक सभा, तो ब्रिटिश सार्वजनिक सभा की स्थापना 1843 में हुआ था और करने वाले हैं दादा भाई नेहरू जी। परमहंस मंडली, परमहंस मंडली 1840 ईस्वी में, और ये गोपाल हरि देशमुख। फिर है रहनुमाई माजदायन सभा, तो ये जो रहनुमाई माजदायन सभा है ना, इसका स्थापना 1851 ईस्वी में दादा भाई नेहरू जी ने किया था। फिर है बालिका विद्यालय, बालिका विद्यालय 1851 ईस्वी में, और इसका स्थापना किया था ज्योतिबा फुले ने। फिर है मोहम्मडन एंग्लो लिटरेरी सोसाइटी, मोहम्मडन एंग्लो लिटरेरी सोसाइटी, ये 1863 में स्थापना किया गया था। इसकी स्थापना अब्दुल लतीफ़ ने किया था। फिर है साइंटिफिक सोसाइटी, साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना 1864 ईस्वी में सर सैयद अहमद खान ने किया था। फिर है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1866 में हुआ था। इसकी स्थापना किया था दादा भाई नेहरू जी ने। और पूना सार्वजनिक सभा, पूना सार्वजनिक सभा, इसकी स्थापना 1867 में किया गया था, और किया था इसकी स्थापना एम जी रनाडे ने। आइए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए, तो प्रार्थना समाज, तो प्रार्थना समाज से सबसे ज़्यादा जो है आत्माराम पांडुगर का नाम दे दिया जाता है, लेकिन जो क्वेश्चन में ऑप्शन 5वां है उससे कन्फ्यूजन होगा यदि सारे ऑप्शन दे दिया जाए। तो केशव चंद्र के सहयोग से एम जी रनाडे, आत्माराम पांडुगर, देवेंद्रनाथ टागोर, यानी कि ये चारों मिलकर प्रार्थना समाज की स्थापना करते हैं। अब देखते हैं वेद समाज, तो वेद समाज 1867 में स्थापना किया गया था और इसका स्थापना आचार्य केशव चंद्र सेन ने किया था। फिर है सत्यशोधक समाज, सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 ईस्वी में ज्योतिबा फुले ने किया था। अलीगढ़ मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, ये 1875 में इसकी स्थापना हुई थी, अलीगढ़ मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, और स्थापना सर सैयद अहमद खान ने किया था। फिर है इंडियन लीग, तो इंडियन लीग की स्थापना जो 1875 ईस्वी में शिशिर कुमार घोष ने किया था। फिर है आर्य समाज, आर्य समाज के स्थापना 1875 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। थियोसॉफिकल सोसाइटी, ये भी 1875 में स्थापना किया गया था, मैडम ब्लावस्की एवं कर्नल अल्काट। फिर है इंडियन एसोसिएशन, तो इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में हुआ था, और ये लगता है गलत टाइप कर दिए हैं क्या, नहीं ठीक है, आनंद मोहन बोस और सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
यूनाइटेड इंडियन कमेटी, इसका स्थापना 1833 ईस्वी में हुआ था, व्योमेश चंद्र बनर्जी ने किया था। फिर है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में किया गया था और इसकी स्थापना एओ ह्यूम ने किया था। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन इसकी स्थापना 1885 में किया गया था और इसकी स्थापना किया था फिरोज समेता, तैलंग तथा तेयबजी ने। और देव समाज, देव समाज की स्थापना 1867 में किया गया था पंडित शिव नारायण अग्निहोत्री ने। फिर है बेलूर मठ, तो बेलूर मठ की स्थापना 1887 ईस्वी में किया गया था और इसकी स्थापना स्वामी विवेकानंद ने किया था। फिर है इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस, इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस इसकी स्थापना 1887 में किया गया था और इसका स्थापना महादेव गोविंद रनाडे ने किया था। शारदा सदन, शारदा सदन की स्थापना 1889 ईस्वी में हुआ था, रमाबाई ने किया था। तीसरा है रामकृष्ण मिशन, तो राम कृष्ण मिशन की स्थापना 1857 ईस्वी में किया था स्वामी विवेकानंद ने। फिर है अभिनव भारत संस्था, अभिनव भारत संस्था 31 नंबर में, इसकी स्थापना 1904 में हुई थी और स्थापना किया था विनायक दामोदर सावरकर। फिर है सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, इसकी स्थापना 1905 में किया गया था और किया था गोपाल कृष्ण गोखले ने। आइए नेक्स्ट देखते हैं, मुस्लिम लीग, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में किया गया था, किया था आगा खान एवं सलीम उल्ला ने। अनुशीलन समिति, इसके स्थापना 1907 में किया गया था, किया था श्री बरिंद्र घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त, ये भी हमेशा पूछा जाता है, अनुशीलन समिति। फिर है सोशल सर्विस लीग, सोशल सर्विस लीग 1911 में और स्थापना किया था श्री नारायण मल्हार जोशी। 36 है विश्व भारती, 1912 में स्थापना हुआ था और रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया था। फिर है गदर पार्टी, गदर पार्टी का स्थापना 1913 में किया गया था, किया था लाला हरदयाल और काशीराम ने। हिंदू महासभा, इसकी स्थापना 1915 में किया गया था, डेट भी पूछ दिया जाता है, मदन मोहन मालवीय। होम रूल लीग की स्थापना 1916 में किया गया था, तिलक एवं एनी बेसेंट ने किया था। विमेंस इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1917 में लेडी सदाशिव अय्यर ने किया था। खिलाफत आंदोलन की यह स्थापना 1919 में अली, अच्छा स्थापना नहीं, खिलाफत आंदोलन 1919 में अली बंधु के नेतृत्व में हुआ था। आइए नेक्स्ट देखते हैं, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन 1920 में स्थापना एमएन जोशी ने किया था। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में मोतीलाल नेहरू ने किया था। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1924 में सचिंद्र सन्याल ने किया था। बहिष्कृत हितकारिणी सभा, इसकी स्थापना 1924 में वी आर अम्बेडकर ने किया था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 1925 में हुआ था, डॉक्टर हेडगोवर ने किया था। और आगे है नौजवान सभा, इसकी स्थापना 1926 में किया गया था और भगत सिंह, छबील दास एवं यशपाल ने किया था। हिंदू सोशल रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1928 में भगत सिंह ने किया था। फिर एक खुदाई खिदमतगार, इसकी स्थापना 1930 में अब्दुल गफार खान ने किया था। थोड़ा और है देखते हैं, हरिजन सेवक संघ पुणे 1932 ईस्वी में महात्मा गांधी ने किया था। स्वतंत्र श्रमिक पार्टी 1936 में और बी आर अम्बेडकर ने किया था। 52 में है फॉरवर्ड ब्लॉक, 1939 में स्थापना हुआ था, सुभाष चंद्र बोस ने किया था। फिर है आज़ाद हिंद फौज, इसकी स्थापना जो है 1942 में हुआ था, रास बिहारी बोस ने किया था। ठीक है, तो फॉरवर्ड ब्लॉक को ध्यान देना है सुभाष चंद्र बोस, लेकिन आज़ाद हिंद फौज के लिए रास बिहारी बोस। फिर है आज़ाद हिंद सरकार, यहाँ फौज और सरकार दोनों में अंतर है, फौज रहे तो रास बिहारी बोस और सरकार रहे तो सुभाष चंद्र बोस। तो इस प्रकार से हमारा जो है क्वेश्चन आज का पूरा हो गया है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले दिन, और आज शाम को आप हमारा जो है मीन्स पेपर देखना ना भूले। धन्यवाद।